जनपद बहराइच के 284 मटेरा विधानसभा से मुकेश कुमार को समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और मीडिया से वार्ता करते हुए समाजवादी पार्टी के मुकेश कुमार अध्यक्ष ने बताया कि किसानों पर हो रहे अत्याचार और महिलाओं पर उसको रोका जाए। आगे चलकर 2022 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री भी बनाया जाए ताकि देश सही मुकाम पर आ जाए। और समाजवादी पार्टी के मुकेश कुमार अध्यक्ष ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा है। कुछ किसानों का कर्जा माफी बोलकर अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है और समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर यह भी निशाना साधा है कि आए दिन हत्या चोरी व लूट के सिलसिले नहीं रोक पा रही है ये सरकार। इंडिया 24/7 लाइव टीवी के लिए बहराइच से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। जी हमारा उद्देश्य यही है, जो मुझको जिम्मेदारी मिली है मथुरा विधानसभा की, पार्टी ने मुझ पे भरोसा की जिम्मेदारी दी है, मैं यही चाहता हूँ कि जो आए दिन किसानों और महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार को रोका जाए। आगे चलकर 2022 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए और सरकार यहाँ बने उनकी, मेरा हमारा मेन उद्देश्य यही है, जिससे किसान काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आए दिन धरना, आए दिन महिलाओं पे अत्याचार के खांड आ रहे हैं सामने जी। कई मामले आ चुके हैं आज 8-10 दिन पहले से जी। सरकार ये भी नहीं देख रही कि क्या हो रहा है उसमें, आज तक पता तक नहीं लगा क्या हुआ है, कहाँ से जो हत्याएं हो रही कहाँ से हो रही हैं। मेन बात ये है किसानों का, कुछ किसानों का कर्जा माफी बोलकर किसान का कर्जा भी नहीं माफी हुआ है जी। कुछ समस्या सामने वो भी आई है जी। और जो पार्टी ने मुझे विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया है जी, मैं यही चाहता हूँ कि हमारे और हमारे क्षेत्रवासी और हम लोग निष्ठापूर्वक माननीय 2022 में अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे जी। बस हमारा यही एक उद्देश्य है।